एक सामान्य विषय को बताते हैं जिसमें एक आंतरिक विकार और एक स्पर्श, स्पर्श में गुरुत्व आरोपण और गुरुत्व अपादान, जिस पर आपको संसर्ग भी होता है, जिसमें एक वस्तु का उद्घाटन, उससे वातोद्भव होता है, वातोद्भव से और एक गति का, एक मार्ग का मोचन होता है, और इसका उद्घाटन से शक्ति का प्रवाह भी हो सकता है, जिसमें ज्ञान शक्ति बहुत विषयों की जानकारी के लिए, रखने के लिए और नूतन उत्पत्ति के लिए, आविष्कारण के लिए, इनोवेटिव बोलते हैं, नूतन आविष्कार को आजकल इनोवेटिव बोलते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, वो तो हमारे अंतर्गत है ना, नूतन उत्पादन कहाँ से आएगा, ये तो खिड़की से आएगा, द्वार से आएगा, क्या हमारे अंतर्गत ही है। इसलिए योग शास्त्र तो ऐसा नहीं है, लेकिन चित्रपट के साथ हम हमारा पाठ्यक्रम में ये ले आना चाहते हैं, एक एक काम करने से कहाँ कहाँ स्थूल विकार होता है, कहाँ कहाँ सूक्ष्म विकार होता है, कहाँ कहाँ अपरिच्छेद्य विकार होता है, बहुत सूक्ष्मतम विकार होता है शरीर में, जिससे गतियों का मैंने बोला उद्घाटन होता है, भ्रमण होता है, प्रवाह होता है, भंग होता है, विमोचन होता है, प्रकरण हो सकता है, विकरण हो सकता है, उपकरण हो सकता है, संधि है, ग्रंथि है और नाभि है, द्रवोत्पत्ति हो सकती है द्रवीकरण से, और वातोद्भव हो सकता है, श्राव हो सकता है, और शरीर में मैंने बोला अन्वय के बारे में, सान्वय के बारे में, अनन्वय के बारे में, इसमें तीव्र हो सकता है, मध्य हो सकता है, मंद हो सकता है। जो हम बैठ के कर रहे हैं, जो हम बैठ के कर रहे हैं वो गति तो मंद गति है, वो गति तो मंद गति, हम बहुत देर बैठ के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे चलने वाली गति है, इसलिए मंद गति। हमारे अंदर जो हो रहा है मुकुट पद्म मैंने बोला, उस तक वो गति तो मध्य गति, और उससे मैंने बोला जो गति है अभी अनन्वय में, वो तो तीव्र गति है, इसलिए वो पहले शुरू करने के समय में धीरे धीरे, फिर मध्य स्वर में जाएगा, फिर तो बहुत तीव्र रूप में जाएगा, ये तीन गति है। इसलिए हम बहुत देर ये करते हैं, ये करने के लिए बहुत देर बैठना चाहिए, ध्यान के लिए बहुत देर करना चाहिए, लेकिन वो अंतर शक्ति काम करने के लिए एक क्षणार्ध में वो शक्ति हमको मिल जाएगी। इसलिए ये सब योग का रहस्य है, योग का रहस्य बोलेंगे तो ये तो ही रहस्य है, और जो जो किताब में देख रहे हैं वो सब हास्य है, रहस्य नहीं है। और अभी बोलेंगे पंचासन के बारे में बोला, आसन का लक्षण में बोला, अभी पंच प्राणायाम के बारे में कुछ बोलेंगे। प्राणायाम में बहुत विषय का विचार है हमको, हम बहुत विषय में बहुत आक्षेपक ही हैं। एक तो ओंकार उच्चारण विचार लिखिए, ओंकार उच्चारण विचार, मात्रा विचार, उसमें श्रुति पद्धति और योग पद्धति का विचार, अक्षर विच्छेद का विकार, अक्षर विच्छेद न्याय बोलते हैं इसका, अक्षर विच्छेद और अजबा विचार और हंसोच्चारण विचार, अंतर्नाद विचार, प्राणनाद विचार, दिव्यनाद विचार, ये सब प्राणायाम में आता है। वो ओंकार सब लोग बोल सकते हैं या नहीं? अरे बोल, सब लोग बोल सकते हैं, मुंह है ना, बोल सकते हैं, वो तो नहीं है। ओंकार बोलने के लिए ये एक लक्षण है, एक अनुष्ठान है, और सिर्फ ओम बोलने से क्या, सब कुछ हाँ बोल सकते हैं नहीं? एक आदमी आपको 1000 रुपये पूछ रहा है, हाँ बोल सकते हैं नहीं? हाँ तो बोल सकते हैं, लेकिन कौन बोलना चाहिए? पैसा देने के लिए जो तैयार है वो बोलना चाहिए ना। सिर्फ बोलने में क्या होता है? हाँ सब कुछ को भी हाँ बोल सकते हैं, ठीक है बोल सकते हैं। एक आदमी पूछ रहा है, हम तुमको मारना चाहते हैं, ऐसा एक सिनेमा में मैंने देखा, उसको बार बार हम याद करके हंसने वाले। एक सिनेमा में एक आदमी ऐसा दिखाता है चाकू को, नहीं तो पिस्तौल को दिखा के, अभी तुम तो मरने वाले हो, तुमको क्या अंतिम इच्छा, तुमको वो पिस्तौल चाहिए। इसलिए वो तो हम बोलते, लेकिन ओंकार साधन के लिए एक लक्षण है, ओंकार साधन के लक्षण, सब कुछ सुनने के बाद आप विचार करना चाहिए, वो ओंकार हम बोल देंगे अभी, यदि हमारे युक्त एक मंत्र को हम लेंगे, नहीं तो ओंकार का स्वरूपानुरूप अर्हता हमसे बढ़ाएंगे, वो सब आप बोलना चाहिए, उसके बारे में एक विचार हम करेंगे। फिर ओंकार उच्चारण विचार, ओंकार की शक्ति के बिना, ओंकार के बिना योगाभ्यास तो संभव है, क्योंकि ओंकार शब्द से, मूर्छना से मात्र प्रतिष्ठित नहीं है, एक अंतर्नाद भी है, इसलिए ओंकार का प्रयोग तो अवश्य नहीं है, और ओंकार के लक्षण के बिना, जानकर के बिना ओंकार करना तो अपचार भी है और निग्रह भी हो सकता है आत्मकल्याण का, इसलिए ओंकार में लक्षण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा तो ओंकार मात्र का विचार, वेद में ऐसा बता दिया, ओंकार तो मात्रा त्रय, त्रिमात्रा बोला, इसलिए तीन मात्रा तक ओंकार का उच्चारण का अधिकार है। ओम ऐसा दिन भर बोलते रहते हैं,
पांच मिनट के लिए, दस मिनट के लिए, इसलिए आकार बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ओम नहीं बोल सकते, इसलिए क्योंकि वो तो शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए तीन मात्रा से अधिक नहीं बोलना है। ये सब वेद में एक नियम है, योग में भी, योग शास्त्र में पतंजलि ने बोला तस्य वाचक प्रणव, भगवान का वाचक प्रणव है, भगवान का उपाय है, नहीं तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रणव को उपाय का रूप में भगवान पतंजलि ने नहीं बताया, सिर्फ वाचक का रूप में, प्रतिपादन का रूप में उन्हें बताया। इसलिए उसके बारे में एक दिन बैठ के हम अलग विचार करेंगे, ये पंच प्राणायाम के बारे में अलग विचार करेंगे। अभी तीसरा तो अक्षर विच्छेद, कोई आदमी अकार से पूरक रहचे कुंभ भक्तो, अकार से उकार से मकार से करने वाले, उसके बारे में भी हम विचार करना है, और बहुत कुछ अभी विचारणीय विषय है। पहला तो अक्षर विच्छेद मैंने बोला वो कर सकते हैं या नहीं, और हंस से कर सकते हैं नहीं, हंस सोहम सोहम ये बोल के करना तो प्राचीन संप्रदाय है, प्राणायाम में ओंकार नहीं था तब, सोहम सोहम सा मैंने परमात्मा, अहम मैंने जीवात्मा, ये दोनों की संधि तो योग है, वो योग तो सकार और अहंकार से होता है, इसलिए वो बोलने वाले तो बहुत लोग हैं, इसलिए उसको हंस पद्धति बोलते हैं, लिख लीजिए। और अजबा पद्धति है, क्या बोलते हैं इसको, अजबा पद्धति, अरे तुम क्यों सो बोलते हो, हम बोलते हो, क्यों बोलते हो, वो तो आते जाते रहता है, तुम नहीं समझते हो ना, तेरा श्वास का भाषा ही यही है, तुम श्वास कर रहे हो, तुम समझते हो उससे ऐसा जा रहा है, प्रश्वास और निश्वास हमसे जो आते जाते रहता है वो तो वास्तविक रूप में, स्वाभाविक रूप में तुम बोलने के बिना सो सो हम ऐसा ही हो तो बोलते रहते हो, तुम तो नहीं सुन पाते हो, इसलिए वो तो अजबा पद्धति है। और अंतर्नाद पद्धति है, आपका दिल में एक नाद है, वो नाद को आप सुनना चाहिए, आप कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे तो वो कैसे आप सुन सकते हैं है? एक आदमी ऐसा बोल रहा है जैसे कल एन एस रामस्वामी जी ने मंत्र का उच्चारण किया है और पुरस्कार के लिए कैसे बुला सकते थे, ऐसा एक अंतर्नाद का श्रवण के समय में दूसरा कुछ आप बताएंगे तो क्या सुन सकते हैं, इसलिए उसको अंतर्नाद बोलते हैं, आत्मा का नाद। दूसरा तो प्राणनाद बोलते हैं, प्राण में ही एक नाद है, जैसा वीणा की तंती में नाद है, जैसा एक वेणु एक मुरली का द्वार में नाद है, ऐसा एक मुर का भंग और स्पर्श का निनाद है, वैसा ही प्राण में ही एक नाद हो सकता है, वो तो अजपा नहीं है, सोहम नहीं है, प्राण का नाद तो प्राणनाद ही है, इसलिए उसको सुनना चाहिए। तो प्राणनाद पद्धति, ये सबके बारे में आपको सिलेबस होगा, एक साल तक हमारे बारूदी पटेकर जो हमारा शिष्य है, पहला शिष्य है, वो एक ही शिष्य है, वो एक साल तक हमारा शिष्य रहेगा तो ये कर सकते हैं। हमको इतना ऐसा नहीं है कि 15 आदमी चाहिए, 500 आदमी से 5000 ऐसा नहीं है, 2 आदमी बैठेंगे तो भी ऐसा ही हम बोल सकते हैं। हम आत्मा को देखने वाले, संख्या को देखने वाले नहीं है, इसलिए एक साल तक कोई आदमी एक भाड़गा के लिए एक शिष्य बना के हमारे साथ रखेंगे तो एक साल भाड़गा के लिए है? असली शिष्य भी नहीं चाहिए, एक साल भाड़गा के लिए यदि एक शिष्य एक विषय में मिल जाएगा उससे बहुत कुछ आश्चर्य हम कर सकते हैं। ये तो आत्म प्रशंसा नहीं है, अहंकारवाद भी नहीं है। और पांच प्राणायाम अभी हम बताते हैं, ये सब जो बताए वो तो प्राचीन है, हम जो अभी बताते हैं अति प्राचीन है। शुभाशुभ व्यापार प्रवृत्ति निवृत्ति व्यापार स्वपर व्यापार पूरी तूर्य व्यापार ये सब है। शुभाशुभ व्यापार स्वपर व्यापार प्रवृत्ति निवृत्ति व्यापार पूरी तूर्य व्यापार कायात्म व्यापार ये सब पांच व्यापार का प्राणायाम है। प्राणायाम में कलानिधि जी ने अभी PhD करने वाले हैं, ऐसा कोई है अभी कुछ MA कुछ लिए हैं संस्कृत में योग में विद्यावारिधि के लिए वाचस्पति के लिए कोशिश कर रहा है ये लेके कर...